हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने मेरा मदरहुड का वीडियो बहुत पसंद किया, तो आज मैं आपको उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। जैसे जब हम मदर बनते हैं तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं, हमें समझ में नहीं आता, बट क्या होता है कि टाइम के साथ साथ हमें कुछ मेमोरीज भी क्रिएट करते रहना चाहिए, क्योंकि वो बाद बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बाद में जाके हमें बहुत अच्छा फील होता है कि हमने ये सारे जितने भी बच्चे के जो भी स्टेजेस थे उन सबको कवर किया। तो मैं उसके रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहती थी। सबसे पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है ये इंस्टैक्स कैमरा। ये कैमरा बहुत अच्छा होता है, इसका मैंने खुद ये यूज़ किया है और ये आप देख सकते हैं, ये फिल्म कैमरा है और इसमें हम इंस्टेंट फ़ोटोज़ उसी समय पर खींच सकते हैं और हम मेमोरीज़, मैं जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, मैंने आपको दिखाया है कि मैंने इसे किस तरह से घर की वॉल पर डेकोरेट किया है। तो इससे क्या होता है कि हम उसके बर्थ से लेके आगे जो उसकी स्टेजेस आती हैं बेबी की, वो सारी हम कवर कर पाते हैं। दूसरा है ये एल्बम, ये फ़ोटो एल्बम है जो हम परचेज कर सकते हैं। इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये एल्बम भी बहुत अच्छा लगता है। ये एल्बम में आप स्टार्टिंग से लेके जो भी नोट ऑफ माय अराइवल, पर्टिकुलर्स एट बर्थ, उससे लेकर सिक्स डे बर्थ, मुंडन, ये सारी चीज़ों के रिकॉर्ड्स हम इसमें रख सकते हैं। तो ये बहुत ही क्यूट लगती हैं, इसमें हम सारी फ़ोटोज़ अपने बेबी की फ़ोटोज़ पेस्ट कर सकते हैं और ये रिकॉर्ड्स के लिए बहुत अच्छा लगता है। जब हम बाद में इनको देखेंगे तो हमें, और हम इसमें मेमोरीज भी लिख सकते हैं, साथ साथ छोटे छोटे इंसिडेंट्स भी लिख सकते हैं जो बेबी के साथ उस टाइम पर हुए थे। तो इस तरह से हम इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है जो मेमोरीज क्रिएट करती है बहुत सारी। अगला है पीओपी, और ये एक कास्टिंग किट होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कास्टिंग किट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये बहुत अच्छा एक सोर्स है। इससे क्या होता है कि बेबी के फुटस्टेप्स और बेबी के हैंड्स, इन सब का रेप्लिका बनाकर हम अपने पास रख सकते हैं। जब बेबी बड़े हो जाते हैं तो फिर वो बहुत चेंज हो जाते हैं, तो ये यूज़ करके, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये बहुत सुंदर बन के आता है। और एज अ कपल भी आप हैंड्स इस तरह से इमिटेट करके बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है मेमोरीज क्रिएट करने का। अगला है, हम कुछ टी शर्ट्स ले सकते हैं जो कि स्पेसिफिकली आपने देखा होगा, मॉम डैड बॉय या गर्ल, ऐसे करके टी शर्ट्स आते हैं, या फिर हम आजकल कस्टमाइज टी शर्ट्स भी बनवा सकते हैं जिसमें पिक्चर के साथ आप टी शर्ट्स बनवा सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी मेमोरी होती है और वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। बाद में हमें बहुत देख के बहुत सारी मेमोरीज ताज़ा हो जाती हैं इन सबको देख के। तो ये एक चीज़ थी। और एक है फ़ोटोशूट। मैंने भी अपने बेबी का, जब मेरा बेबी पैदा हुआ तब भी मैंने एक फ़ोटोशूट कराया था, और जब वो 6 मंथ्स का हुआ तब भी मैंने एक फ़ोटोशूट कराया, और अभी रिसेंटली भी मैंने एक फ़ोटोशूट कराया था। तो उससे क्या होता है कि आपको बहुत अच्छे क्वालिटी के पिक्चर्स मिलते हैं और आप उसको डिफरेंट पोजेज में, जैसे कि हम इसके बारे में आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, इसके बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो हम देख सकते हैं, जो हम यूज़ कर सकते हैं फ़ोटोशूट में, जिससे कि बहुत क्यूट क्यूट पिक्चर्स आती हैं बेबी की। तो आप ये चीज़ें ज़रूर करें, क्योंकि जब बेबी बड़ा हो जाते हैं तो ये रिकॉर्ड्स हमें बाद में बहुत अच्छा लगता है इनको याद करना और इनको देखना बेबी के साथ बैठ के। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और हाँ, बेल बटन आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच। चाओ।